हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ जो झारखंड सरकार की तरफ से निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी निकल के आई है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकल के आई है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों। और चैनल में अभी तक अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे आने वाले इसी तरह से जितने भी वीडियो आएंगे सब आप लोगों को टाइम में मिलते रहेंगे, सबसे पहले मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे और देखते हैं उसका डिटेल क्या दिया गया है। स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई देता होगा, मैं उस क्रोम ब्राउजर पे आ गया हूँ। इस क्रोम ब्राउजर पे सबसे पहले हम लोग गोड्डा टाइप करते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ नीचे बहुत सारे लिंक आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहला लिंक दिया गया है गोड्डा NIC.in, ये इसका ऑफिशियली लिंक है। ऐसा इसका ये भी इसका ऑफिशियली लिंक है, लेकिन ये नोटिस कैटेगरी रिक्वायरमेंट के अंदर डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग होम पेज पे जाएं और वहां से डाउनलोड करने के लिए देखते हैं। पहला वाला लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नोटिस, इसके अंदर में रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिया गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जितने भी आते हैं सबका डिटेल यहीं पे हम लोगों को मिल जाएगा। अभी फिलहाल एक ही नोटिस दिया गया है, देखिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दिया गया है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। लास्ट डेट दिया गया है, देखिए, 6/7/2019, और स्टार्ट डेट दिया गया है 27/6/2019। डाउनलोड करने के लिए एक दिया गया है, देखिए, डाउनलोड PDF का ये फाइल है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, जहाँ पे डाउनलोड होकर सामने में ओपन हो जाएगा हम लोगों का PDF, जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सा उपायुक्त का कार्यालय गोड्डा, तो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ये निकल के आई है रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जैसे दिया गया है, जिला प्रखंड कार्यालयों में रिक्त पदों पर विरुद्ध संबंध संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार से विहित प्रपत्र के आवेदन पत्र दिनांक 6/7/2019 शाम का 5 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। मतलब इसका लास्ट डेट दिया गया है 6/7/2019 शाम 5 बजे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या जो दी गई है 15 दी गई है, और अनिवार्य योग्यता जो होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए जो मैंडेटरी है, मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट, यानी कि 12 पास अगर आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 होना ही चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ खा नंबर में जो दिया गया है, मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा भी आप लोगों का होना चाहिए, तब अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। दो चीज होना बहुत ही जरूरी है, पहला तो आप लोगों का 12 पास, साथ ही साथ आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए। उसके बाद एज लिमिट जो आप लोगों की दी गई है, देखिए, यहाँ पे 1/1/2019 के आधार से कैलकुलेट अगर आप लोग कीजिएगा तो न्यूनतम 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम हर कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 35 दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 40 दिया गया है, और यहाँ पे देखिए आप पी वा और ये सब के लिए जो आप लोगों का है BC1 BC2 उसके लिए दिया गया है 37। उसके बाद महिला सामान्य और ओबीसी वाला सबके लिए जो दिया गया है 38 दिया गया, ये सिर्फ महिला के लिए है। उसके बाद सभी कोटि के दिव्यांग यानी कि डिजेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट आ जाते हैं उन सबके लिए भी यहाँ पे दिया गया 5 साल का छूट दी गई है। देखिए, उसके बाद नीचे में देखिए संविदा की नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, वो चीज यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया। बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैं सारे पॉइंट आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता, निर्वाचन कार्य अनुभव, ये सब देखते हुए आप लोगों का ये टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार से आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। जांच परीक्षा, सामान्य ज्ञान, इलेक्शन वर्क रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब आप लोगों को पूछा जाएगा। देखिए दिया गया है यहाँ पे, आवेदन पत्र निलंबित डाक द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गोड्डा के पद नाम से बंद लिफाफे पर निर्धारित तिथि पर आप लोगों को भेजना पड़ेगा, जो यहाँ पे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस भी मेंशन किया गया है। ये सिर्फ आप लोगों का निलंबित डक से ही भेजना होगा, यहाँ पे कोई स्पीड पोस्ट अगर करेंगे तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा।
सिर्फ यहाँ पे निलंबित डाक के लिए दिया गया है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। आप लोगों को डिटेल जानने के लिए इस वेबसाइट से जा देख के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से मैं इसको डाउनलोड किया हूँ, www.godda.nic.in, ये इसका दिया गया है। उसके बाद जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, वेबसाइट godda.nic.in पर दिनांक 12/7/2019 को किया जाएगा तथा इसकी दक्षता जांच आप लोगों के जो कंप्यूटर लैब दिनांक 17/7/2019 को किया जाएगा। तो ये डेट सबसे पहले आप लोग वेबसाइट को विजिट कर करके जरूर देखिए। नोटिस आएगा आप लोगों का कब एग्जाम होगा, शॉर्टलिस्टेड जो निकलेंगे कैंडिडेट, वह सबका सब आप लोगों को godda.nic.in पे सब सारा डिटेल मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आइएगा तो नीचे में आप लोगों का एक आवेदन पत्र मिलेगा, जो डाउनलोड करके आप लोगों को इसको फिल करना पड़ेगा, अच्छी तरह से भरना पड़ेगा। आवेदन पत्र दिया गया, देखिए यहाँ पे फोटो आप लोगों का, पासपोर्ट साइज लगेगा, आवेदक का नाम आप लोगों का, कैंडिडेट का नाम लगेगा, पिता पति का नाम यहाँ पे दिया गया, स्थायी पता, वर्तमान पता, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, जन्मतिथि वगैरह दिया गया है। तो सारे डिटेल आप लोगों को भरना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन में मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक का दिया गया है। कंप्यूटर कोर्स जो आप लोग किए हुए हैं वो कब से कब तक क्या किए हैं, किस श्रेणी में पास हुए हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितना साल कितने महीने का भी एक्सपीरियंस है, ये सब सब कुछ आप लोगों को फिल करके उस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है जरूर लाइक कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि अगर चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा दें।